जो अपने लिए दिशा बोध मिलता है जिससे उसके लिए हमें ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। संकेत भी अपने लिए पर्याप्त हो जाता है। गाय की गले में रस्सी बांध दी जाती है, उसी को हांकते हुए जंगलों में चराया जाता है, पुनः वह गाय साल पर आकर के खड़ी हो जाती है। वहाँ पर दो कुत्ती गाड़ी गई है, उससे रस्सी मार करके रात और नवेदी की है। ये उसका कार्यक्रम चलता है, किंतु उसके साथ संकी गले में रस्सी बनी रहती, वो ऐसी भी नहीं। लेकिन पूरे कार्यक्रम संरक्षण आदि होते रहते हैं। गैया का बछड़ा रहता है, उसके गले में कुछ भी नहीं बांधी जाती, बन जाती नहीं बांधी जाती, कभी भी वो भटकता नहीं तो नहीं भटकता। माँ का अस्तित्व है उसके निगाह में, वो पीछे भी रह जाता है तो ये यहाँ से संकेत दे देते तो आ जाता, उससे दूर तक आगे भी वह भाग जाता है, फिर बात नहीं होनी कि वही रुक जाता है, क्योंकि उसकी रेखा जो भाव रेखा है उसमें व्यवधान होता है। जब तक गैया दिखती है तब तो भाग जाता है, ये पीछे भी रह जाता है, लेकिन वह गैया को ओझल होने नहीं देता। ये बहुत दूर भी हो जाए तो गाय की आवाज आएगी या के स्वयं आवाज दे देगा, तो गाय क्या कहती होगी, तुम पीछे क्यों रहते हो, फिर बाद में मैं आप ही रह गया, चलो आगे बढ़ जाओ। आगे चला जाता है, वो दूर चला गया, फिर वो सोचता कि मैं अकेले रह गया। हाँ खड़ी हो जाओ, खड़ा नहीं होता वो, पुनः भागता हुआ आता है तो माँ के पीछे हो जाता। ऐसा ही लगभग भगवान से भक्तों का काम होता है। और संबंध उसका बना रहे, कहीं भी लट्टू लगे लगाए, किंतु वायर से उसका संबंध भर जुड़ा रहे, और वायर का संबंध डायरेक्ट कनेक्शन से बना रहे, बस वह प्रकाश भीतर तक भी आता रहेगा। यदि आप बिल नहीं भरोगे तो कनेक्शन कर दिया जाता है। उसी प्रकार आप लोग देवगुरु शास्त्र की स्वयं भक्ति नहीं करोगे तो वो तो नहीं काटते, वो अपने आप ही कट जाए। स्रोत संबंध समाप्त हो जाता है। लोग में कहीं भी रहे वो भक्त इस प्रकार उस तीन लोग के पालन हारा क्या, उसकी भक्ति के कारण सब लोग पल जाते हैं। ये बहुत सौभाग्य का विषय हम लोगों के लिए, हमें इस प्रकार उनकी उपलब्धि हुई और दिशाएं भी किसी को संध्या काल में मिली, किसी को जीवन के आदि काल में मिली, किसी को प्रौढ़ अवस्था मिली। अपने अपने कर्मों के अनुसार ये कार्य होता रहता है। ये संबंध बना रहे इस प्रकार के भीतर की एक जागृति आप लोगों को बनी रहना चाहिए। तो बंधन ये भावों का बंधन है और किसी द्रव्य का बंधन नहीं है, इसलिए हमें भावों की ओर हमेशा हमेशा
देखते रहना चाहिए, जिसके कारण प्रकाश प्रतिक्षण मिलता रहता है, प्रतिक्षण उसका संवेदन होता रहता है। उस संवेदन के कारण जो तृप्ति अनुभूति होती है वह अलौकिक होती है, वह संसार की किसी द्रव्य से नहीं उपलब्ध होती है, वह अनमोल होता है। मोल का त्याग करते हैं तो अनमोल उपलब्ध होता है। अब क्या था वो अनमोल क्या मोल तो चढ़ाते क्या मोल उस मोल से मोह होने के कारण अनमोल को हम भूल जाते हैं। इसलिए प्रभु के पास पूछना चाहते हो, अनमोल की उपलब्धि करना चाहते हो, तो मोल को धीरे धीरे छोड़ने का उपक्रम अपना लो। तो ये जो आप लोगों को पढ़ाने के लिए कहा जाता है तो आपके भले के लिए कहा जाता है। जितना मोह कम होगा, नहीं समझे, दो दो प्रकार अनेक प्रकार के ठेका दिए जाते हैं। आप मोल के लेते हो और हम कहते हैं अनमोल का भी एक बार ठेका लेकर देखो। फिर तो मोल की ओर जाने की आवश्यकता न पड़े, तारा मूर्ति लगाने की कोई आवश्यकता न पड़े, कहीं भी रख दो, अनमोल की चोरी होती नहीं और मोल की चोरी कदम कदम पर होती रहती है। और आप लोग कहते हैं महाराज हमारे जो इकट्ठा हुआ है उसकी रक्षा हो, आपका हाथ हमारे सिर पर हमेशा हो, ऐसे क्यों मोल वाले रखते हो पदार्थ, अनमोल रखो ना, निश्चिंत होकर सो सुख की नींद। क्यों मोल के पीछे लगा है उसको गोली खा कर नींद लेनी पड़ती है, दिमाग कहलाएगा। अनमोल रहता है उसको जहाँ बैठे नींद पर चैन के साथ निश्चिंत होने के कारण ऐसा होता है। आप निर्विकल्प निश्चित होना चाहते हो, सच्चे विश्वास को हमेशा हमेशा अपने स्मरण में लाया करो। जहाँ कहीं भी आप रहो, आपकी दिशा बोध होने के कारण सही समय पर सही स्थान तक आप पहुँच जाएंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय।